होना जरूरी है। कभी कभार थोड़े लोगों को नहीं मालूम होगा, शायद वो बहुत बिजी होंगे, डिजिटली न्यूज़ नहीं देखते होंगे, अखबार नहीं पढ़ते होंगे, तो उनके बारे में नहीं कह सकता। पर मैं कोशिश करता हूँ कि जितना नॉलेज हो सके हमें होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ अपने कंट्री के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एंटरटेन कहाँ करते हैं, अपने कंट्री में करते हैं यार। तो जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है कंट्री के बारे में, गुजारिश है थोड़ा टाइम निकालिए पैसे कमाने से, एंटरटेन करने से, कंट्री को समझिए, देखिए कि चीज़ें क्या हो रही है, अच्छा हो बुरा हो एक्सप्रेस करिए अपने ओपिनियन, क्योंकि आप ओपिनियन लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा। देखिए मुझे ये लगता है, ऑब्वियसली मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने एक डिजिटल वीडियो किया था जहाँ पे मैं रोड पे गया था और मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स हो, लोगों को जो रोड पे चल रहे थे, मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। और आई शपथ कहता हूँ वो वीडियो को कम से कम 5 मिलियन व्यूज़ मिल गए, जहाँ पे बच्चों ने जो स्ट्रीट पे थे, स्टूडेंट्स थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये इलेक्शन के 3 दिन पहले मैंने पूछा। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जब 18-19 साल के लड़के बच्चे ग्रोनअप्स भी थे, वो लोग ओपिनियंस देते हैं डिजिटल पर, अगर कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है तो इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ट्रोलिंग शुरू करते हैं। पर ट्रोलिंग करने से पहले अगर आपको अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है नहीं है वो नहीं मालूम हो तो नथिंग इज़ वर्थ इट या। तो मैंने ये रिसर्च किया, उसमें पता चला कि जो रोड पे उन लोग को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं मालूम, बहुत सवाल नहीं मालूम, गॉड ब्लेस देम, बट आई थिंक स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड टीच पीपल ऑल द बेसिक्स। थैंक यू।